It gives me a great pleasure to introduce today's second speaker, Manjusha, Bachelor in Law and Masters in Fine Arts, specialized in dramatics, and she did her thesis in improvisation and warm-ups in many more courses, personality developments, public speaking, counseling techniques, etc. One shayari for her, career options ne hasne na diya, result ne rone na diya, is uljan ने स्टूडेंट को चैन से जीने ना दिया, थक के जब मंजूषा से पनाह ली, स्टूडेंट को करियर ऑप्शन ने परेशान होने ना दिया। थैंक यू। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने, ये मेरी मंजिल है कहाँ। तेजस, आपको पता था आपकी मंजिल कहाँ है? नहीं। आपने करियर बचपन से सोचा था? नहीं नहीं, तो ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच। ये स्माइल ओह थैंक यू। एक स्माइल के साथ अगर हम सुबह शुरू करते हैं, वैसे स्माइल अगर हमारे बच्चों के चेहरे पे हो, तो दैट इज योर मेन लाइफ का पूरा उद्देश्य वही होता है, पेरेंट्स। और पेरेंट्स बच्चा जन्म लिया तभी से शुरू हो जाते हैं कि अब ये क्या बनेगा। कोई बोलता है इंजीनियर बनेगा, कोई बोलता है डॉक्टर बनेगा। अरे बाप रे, अच्छा हुआ उस बच्चे को समझ नहीं है, अदरवाइज वो तो परेशान हो जाता कि ये क्या बोल रहे हैं, अभी मैं जन्म लूँ या नहीं लूँ, मैं आऊँ या नहीं आऊँ दुनिया में। डोंट वरी, आई एम देयर। आई एम मंजूषा भास्करवार, करियर ट्रांजिशन एक्सपर्ट। वाई ट्रांजिशन? बिकॉज करियर हम अभी से डिजाइन नहीं कर सकते। एवरी टाइम, एवरी 10 ईयर्स देयर इज अ ट्रांजिशन। सो माई पार्टनर रवि भास्करवार, वी आर विथ बॉन्ड डेब्यू। इट्स अ न्यू स्टार्ट। एवरी टाइम अगर हम न्यू स्टार्ट करते हैं तो नया जोश होता है। सो आई बिलीव इन दैट, स्टार्ट एवरी डे विथ न्यू जोश। बॉन्ड डेब्यू सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑल ओवर द इंडिया। 5 लाख से ज़्यादा लोगों को तो मैंने बेनिफिट दिया है, क्योंकि मैंने उतनी ऑडियंस को भी एड्रेस किया है। इसमें आपने देखा होगा, आज के ये बाल खिलाड़ी कल ख्याति प्राप्त बनेंगे, उसमें वो जो एरो है ना, ये मैं हूँ 7 ईयर्स की। तो इस तरह से मेरी जर्नी जो शुरू हुई है, प्रेस एंड न्यूज़ में छाई रहती थी, बैडमिंटन, डांस, एवरीथिंग। तो न्यूज़पेपर में आज भी छाई रहती हूँ, बिकॉज मैं जब भी वर्कशॉप्स वगैरह लेती हूँ, सो आई एम देयर इन न्यूज़ लाइन ऑल्सो, बिकॉज आई गेट एप्रिसिएशन। स्पेशल वर्क, जब तक गिवर्स गेन, यस गिवर्स गेन, जब तक हम सोसाइटी को देते नहीं है, मिलता कुछ नहीं है। सोसाइटी को देना है तो एनजीओ ज्वाइन करो। मैं बच्चों से भी बोलती हूँ, एनजीओ ज्वाइन करो, बिकॉज दे आर ओनली, यू विल गेट द शेयरिंग फीलिंग, दैट विल बी द सक्सेस की। सो आई हैव ज्वाइन उपाय एंड इवन बचत कार्ड और इस तरह की महिलाओं को CSR एक्टिविटीज के साथ आई हैव डन लॉट ऑफ जॉब। आपके सबके टेबल पर एक बुक है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, दिस इज माई बुक। ये मैंने 2010 में लॉन्च की है। उसके अंदर एक पेपर है, यू जस्ट ड्रॉ सम लाइन्स अंदर, वो पेपर के ऊपर कुछ भी आप लाइन्स बनाइए, उस पेपर के ऊपर, ये कुछ भी लाइन बनाइए एंड कीप इट विथ यू। आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम 2000। ये ऐसे लाइन्स बच्चों के साथ करते करते, so 2000 Dazzling Club I started, and again in 2012 I relaunched this club, that is Club for Children for Overall Development. That concept is dazzling, that is from traveling, from weakling to dazzling. अब बच्चों के अंदर वो आत्मविश्वास कैसे लाना है, so every day we give them platform to speak whatever they see. आपके पास जो paper है, चलिए किसी को बोलती हूँ मैं, जयेश आपके पास पेपर पे आपने लाइंस कीजिए। हाँ, तो उसको देख के आपको क्या लग रहा है, क्या बनाया आपने? स्टार बनाया शायद, आप कहीं ना कहीं अंदर से स्टार बनाया ना, तो कहीं ना कहीं अंदर से आप स्टार बनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाकी पर लोगों से बाद में बात करूँगी। सो हमारे अंदर जो थॉट्स होते हैं वही हमारे सब दिमाग से हाथ पर निकलते हैं। सो लाइक दैट, उस बुक में, उस जहाँ पे आप ये पेज रखा था, देयर वी हैव फ्रेम, हाउ टू फ्रेम स्टोरी फ्रॉम पेंटिंग। ये अगर एक्सरसाइज आप अपने बच्चों के साथ करेंगे, सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड
बच्चा क्या सोच रहा है, और आज बच्चे को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके सामने डिजिटल मीडिया है और ये डिजिटल मीडिया से दूर करने के लिए इस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। वी हैव टेकन लॉट्स ऑफ नियर अबाउट 15 स्कूल्स में हमने ये असेंबली सेशंस लिए हैं और असेंबली में बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाई एंड उतनी धूप में वो खड़े थे। ये मेरा पहला ब्रोशर 2007, ये मेरी लाइफ का पहला ब्रोशर है जो मेरी क्लासमेट ने डिज़ाइन किया था। आई हैव डन मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन ड्रामेटिक्स, और जहाँ पे मैंने इम्प्रोवाइजेशन थिएटर एंड एजुकेशन इसका कॉम्बिनेशन करके एक नया कॉन्सेप्ट वर्कशॉप लेने का लाया है। आई डू नॉट गिव लेक्चर्स, आई गिव एक्सपीरियंस, और ये मैं हूँ जो हमेशा खोई रहती थी अपने पैशन के साथ। स्पेक्ट्रम ऑफ आर्ट्स, ये मेरी कंपनी का पहला नाम है। जस्ट इन 2018 आई स्टार्टेड न्यू नेम, दैट इज़ बॉन्ड डेब्यू। तो लर्निंग लर्निंग लर्निंग, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए और लर्निंग 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 के साथ तब आई आई टी कोचिंग इंस्टीट्यूट जब ज्वाइन की तो बच्चों को देखा आई आई टी, वॉट इज दिस आई आई टी, मम्मी भी बोलती है आई आई टी, पापा भी बोलते हैं आई आई टी, कोचिंग के सर बोलते तुझे कुछ समझ में नहीं आता आईआईटी, मुझे नहीं करना है आईआईटी, आई डोंट वांट टू डू, आई एम कंफ्यूज व्हाट टू डू। डोंट वरी, हैव अ स्माइल, टेंशन नहीं। ये माँ बाप जो होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा टेंशन देते हैं, इसलिए वी हैव प्रोग्राम्स फॉर मी एंड डैड एंड मी एंड मॉम, प्लीज मॉम। अब मॉम क्या होती है, मॉम तो हमेशा लगी रहती है बच्चों की पढ़ाई के साथ, लेकिन डैड क्या सोचते हैं, तुमने पढ़ाया नहीं, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है देखने के लिए, लाइक दैट। अगर हम मी एंड डैड के साथ भी अगर काम करते हैं तो यू विल गेट टू नो कि हाउ टू वर्क फॉर चाइल्ड इन करियर एंड एजुकेशन। आई हैव डन लॉट ऑफ वर्क विद महारत्न कंपनी, मैं ही महारत्न कंपनी के अंदर थी ना, इसलिए मुझे मालूम है महारत्न कंपनी में एम्प्लॉयज की क्या प्रॉब्लम्स होती है और उनके बच्चों को क्या देना है। So we started there and now I have very good experience with their employees, children and even parenting. ONGC, Times of India ke saath maine EduFest kiya and we launched many competitions, spell bee wagaire competitions. BJP ka jo dekh raha hai, Sudhir Mungantiwar aap sab jante hain, unke saath maine career mahayatra. About 500 career options we displayed aur usme maine 13 competitions career oriented I have launched. Employability skill development, yes, that is for college, and I have done lot of programs for colleges also. Parenting, this is very very important part, jo abhi maine Sunday ko bhi ek one to one coaching di, so that is very important because we love to take parenting, jo bahut hushyar hote hain, bade businessman hote hain, lekin unko bachcho ke sath kaise samajhna hai, they need something, so we are there. Our success story is with जिज्ञासा एंड निमित, ये बच्चे तो आए थे, उनके पेरेंट्स को लगा कि इनको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किस साइकेट्रिस्ट को मिलना है, मैंने रुको जस्ट मीट मी, और उनके साथ सेशन लेने के बाद आई गेव देम स्टडी टेक्निक प्रोग्राम 5 सेशंस, लिटरली वो फेल हो रहे थे बच्चे, नाउ दे गॉट स्कोर 75 अबव, और उन बच्चों का करियर आज सज गया। अभी भी वो मुझे फ़ोन करते हैं कुछ भी प्रॉब्लम है तो, सो वी आई टेक केयर। मैं स्पेसिफिक आस्क, आप सबके पास वो जो पेपर्स है ना, उसके ऊपर 5 नाम मुझे चाहिए जो आपने अपने आजू बाजू अपने फ्रेंड सर्कल में बच्चों को देखा होगा या खुद भी है पेरेंट्स, तो आप भी वर्कशॉप में शामिल हो सकते हैं। आई हैव 2 ऑप्शंस, 1-to-1 काउंसलिंग एंड एंजॉय योर एग्जाम्स, जो मैं बच्चे और पेरेंट्स के साथ देती हूँ, दैट इज़ मी एंड मॉम कॉम्बिनेशन, मी एंड डैड कॉम्बिनेशन, एंड देन कम्प्लीट फैमिली कॉम्बिनेशन, एंड देन 1-to-1 विद चाइल्ड। So like that, we have all the packages. Thank you very much. And this is Manjusha. Thank you, Manjusha. Book aapke liye hai, book aap please lete jaiye. And this is that.